मैच शुरू होने के कुछ घंटों पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को एक साथ मिली चार बड़ी खुशखबरी। आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू करेगा ये दिग्गज खिलाड़ी। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 में आज शाम को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन का चौथा मुकाबला है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने तीन मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दो मुकाबलों में जीत हासिल की है तो वहीं एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। अभी तक खेले गए मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन कमजोरियों को दूर करना चाहेंगे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी चार बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर पहली अपडेट है दीपक चाहर को लेकर के। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर एक बार फिर से चोटिल हो चुके हैं और वो इस समय बाहर चल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में वो नहीं खेलेंगे। आपको बता दें दीपक चाहर पूरे सीजन से अभी तक बाहर नहीं हुए हैं। खबरों की माने तो तीन से चार मुकाबलों के बाद वो वापसी कर पाएंगे। दीपक चाहर की जगह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ राजवर्धन हंगरगेकर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। राजवर्धन हंगरगेकर को शुरुआती मुकाबलों में मौका मिला था। यहाँ पर एक रिपोर्ट ऐसी भी है कि राजवर्धन हंगरगेकर नहीं बल्कि आकाश सिंह को डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। आकाश सिंह एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं जो तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के। ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के सुरेश रैना ने बड़ा बयान दिया है। सुरेश रैना ने कहा है कि आईपीएल 2024 के बाद ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाल सकते हैं। सुरेश रैना के अनुसार ऋतुराज गायकवाड़ इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं और वो धोनी के बाद कप्तान बनने के प्रबल दावेदार भी हैं। और तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है महेश तीक्ष्णा और मथीसा पथिराना को लेकर के। दोनों ही श्रीलंका के गेंदबाज हैं और आपको बता दें शुरुआती मुकाबलों में ये दोनों ही गेंदबाज उपलब्ध नहीं थे, लेकिन दोनों ही गेंदबाज चेन्नई के कैंप के साथ जुड़ चुके हैं। अब ये दोनों ही खिलाड़ी आने वाले मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। खबरों की माने तो पथिराना को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर चौथी बड़ी अपडेट भी मथीसा पथिराना को लेकर के है। मथीसा पथिराना श्रीलंका के बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं जिन्हें जूनियर मलिंगा भी कहा जाता है। मथीसा पथिराना शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेले हैं, लेकिन वो चेन्नई के कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। मथीसा पथिराना नेट प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने लगातार गेंदबाजी की। उम्मीद है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। आपको क्या लगता है आज शाम को होने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।